दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम मुखेकर। आप ये मेरा बगीचा देख रहे हैं, जो अभी यहां पे हम पांचवा बहार उसको पकड़ रहे हैं। पिछले लगातार साल भर हमारे यहां बारिश नहीं थी, इसलिए इस बगीचे को हमने पकड़ा नहीं था। अभी यहां पे देख सकते हैं आप इसको, यहां पे हमने गोबर हमारे घर का जो है देसी गाय का वो डाला हुआ है, और जितना हमें पॉसिबल था उतना यहाँ पर डाला हुआ है। बाकी यहाँ पर इसके आगे आप देख सकते हैं कि अभी डाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपनी खाली कुछ हम लोग ग्रीन गुजरा डाल रहे हैं, क्योंकि गोबर अवेलेबल नहीं है और जर्सी गाय का हम डालते नहीं है। तो यहाँ पे अभी ये बेसल डोस डाला जा रहा है। बेसल डोस में पहले हम गोबर का खाद नीचे डालते हैं। अब ये बगीचे का स्ट्रेस देख सकते हैं कि नेचुरल इसको स्ट्रेस बैठा हुआ है। इसको अभी कोई इथेफोन वगैरह कोई डिफोलिनेशन का स्प्रे लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर अभी बेसल डोस कैसा डालना है और इसका थोड़ा सा जानकारी हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बगीचा अभी पूरा रेडी है और बेसल डोस डालने का काम यहाँ पे चालू है। यहाँ तक अभी शुरुआत हो गई है। नीचे सुपर फॉस्फेट और कृषि अमृत सॉरी जो गोबर का खाद है वो मिक्स किया हुआ है। अभी इसके ऊपर ये सब डाल रहे हैं। आप क्या डाल रहे हैं अभी? कृषि अमृत डाल रहे हैं। डालिए। ये डेपो कैसे बीच में आप देख सकते हैं कि पहले एक लॉट में ऐसा मिक्स करके रखा है ऐसा, तो अभी ऊपर से ये डाल रहे हैं। तो ये 50 और 50, 100 पौधे के लिए ये बैच बना रहे हैं। तो बैच कैसे बनाते हैं, पहले जो भी आपको क्वांटिटी लेनी पर प्लांट उस हिसाब से आप पूरा, जैसे यहाँ पे हमने एक प्लांट को 4 केजी डाला हुआ है, तो उसमें मतलब 400 ग्राम मतलब 8 बैग कृषि अमृत डाला है और 2 बैग हम ग्रीन गुजरात यहाँ पर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊपर से पहले 50 का बैच नीचे डाला हुआ है, अभी ऊपर का 50 से डाल रहे हैं वो। इससे वो एक जैसा पूरी तरह सब तरफ ऐसा फैल जाता है, हमें ऐसा कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो उसके बाद में अब जो बाकी आपको जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र उसको थोड़ी मात्रा में डालना है वो हम डाल रहे हैं। पहले ले रहे 10, 26, 26 ले रहे, वो सब जगह पे एक जैसा उसको फैलाएंगे। उसके बाद में उसको लेंगे 12, 32, 16 लेंगे, इसको एक जैसा कर देना है, पूरा ऊपर से राउंड में उसको डाल देंगे। इसकी वजह से वो एक जैसा फैल जाता है और मिक्स भी अच्छी तरह होता है। बहुत सारे किसानों को ये डर लगता है कि इसमें अगर बैक्टीरिया है तो वो मर जाएंगे क्या, नहीं मरेंगे, तो ये कोई डरने की बात नहीं। उसके बाद में मैग्नीशियम सल्फेट डाल रहे हैं, वो सब जो मात्रा में दिया है पर प्लांट में उस हिसाब से आपको उसको 50 गुना या 100 गुना करना है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र के इसकी जो मात्रा है बहुत कम होने की वजह से वो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद में फेरस सल्फेट डाल रहे हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है, तो सब मिक्स करेंगे। ऊपर से डाल दीजिए फास्ट, या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसको यहाँ पे नाप के लिया है, टोल के लिया है कि कितना चाहिए एक एक बैच के लिए। तो अभी इसको मिक्स करेंगे, जैसे कि कंक्रीट के लिए हम सीमेंट और जो रेती एक साथ मिक्स करते हैं उसको ऐसे मिक्स करेंगे सीधा, उसको सीधा इसको उसको हाँ ये इस तरह सीधा उसको लेना है। इस तरह से वो पूरा एकदम उबा सीधा जो है सीधा उसको नीचे से छाटना है, तो एक साथ में वो ऐसे मिक्स हो जाते हैं। नीचे तक वो आपको फावड़े को लेके जाना है, इसको इस तरह मिक्स करना है। अभी ये आपका जो है इसको और एक बार आपको पलटी करना है, थोड़ा इसको ही करो एक बार वापस, इसको करके दिखाओ एक बार। हाँ तुम करो उसको। हाँ इस तरह इसको हाँ राउंड में कर लेना है। ये दोबारा इसको एक ऐसी इस तरह पलटी लगाना है। सीधा सीधा करो भैया। हाँ ऐसा सीधा सीधा हेलो ऐसा हाँ ऐसा सीधा करो।
ये आपका तैयार हो गया। अभी ये डालेंगे कैसे कि हर प्लांट को उन्होंने डिसाइड किया है कि कितना मटेरियल तैयार हो जाता है। वो अभी ये हो गया है करीब करीब 560 केजी हो गया है। तो ये 560 केजी आपको सॉरी 100 प्लांट्स को जाना है, मतलब एक प्लांट को जाएगा 5 केजी और 600 ग्राम। तो एक गड्ढे में उसके चार बार उसको डिवाइड करना है, मतलब हो गया एक किलो और कुछ 400 ग्राम हो गया। तो ये इस सबसे डालेंगे वो डाल के दिखाई वो। अभी नीचे जो गोबर डाला हुआ है, ये गोबर इस तरह पूरा यहाँ पे मिक्स हुआ है सुपर फॉस्फेट में। तो अभी ये यहाँ पे उसको नाप के उन्होंने नापा है पहले से उसको, थोड़ा सा मुझे दिखाई। हाँ अभी यहाँ पे डाल के दिखाई कैसे डालते हैं आप। हाँ यहाँ पे मैंने उनको नापा है उन्होंने, तो ये एक केजी हो गया। ये ऐसा मिक्स करके डालना है और उसका से आधा थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो गया वो। और भी मेरे हिसाब से ये एक केजी 400 ग्राम ये हो गया। अभी इसके ऊपर से मिट्टी जाएगी इस तरह। ये आपका बेसल डोस हो गया है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे। अभी ये प्लांट पिछले करीब करीब एक साल से पानी नहीं है इसको। अभी इसके बाद में हमने इसको अभी पकड़ा है। तो अब बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि अगर बगीचे में पानी नहीं है तो वो मर जाएगा, लेकिन ये प्लांट आपको अभी भी दिख रहा है कि छोटे छोटे पत्ते हैं उसको, और फिर भी वो जले हुए नहीं है। देखिए आप, इसकी जो टहनी है वो एकदम से जैसे ये सिल्वर कलर हो जाता है, इस तरह इसका सिल्वर कलर हो गया है। मैं पास में जाके आपको दिखाता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये सिल्वर कलर हो गया, मतलब जो भी सनलाइट आता है इसके ऊपर से रिफ्लेक्ट हो जाता है, और इसकी वजह से उसके ऊपर उसका जो मतलब इवेपरेशन का जो जलन होने का तो जल जाने का जो खतरा होता है वो रहता नहीं है। अभी ये प्लांट जो है अच्छी तरह से, जैसे हिमाचल में या रेगिस्तान में जैसे उसको स्ट्रेस बैठता है, ऐसे नेचुरल उसको स्ट्रेस बैठ गया है और एक तंदुरुस्त पहलवान की तरह हो गया है। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका प्लांट मेरे पिछले चार साल से इसको सॉइल चार्जर कृषि अमृत सब नरिशमेंट मिल रहा है, इसलिए अभी ये हेल्दी है। और अभी इसको आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया उसका हेल्थ हो गया है। तो इसके बाद में अभी ये बेसल डोस डाला हुआ है, इसको अभी इसके ऊपर से जैसे हमने जब दिखाया उसके ऊपर से माटी डाल देंगे, तो ये आपका पहला बेसल डोस का काम हो गया है। ये पहला बेसल डोस जो है वो डालने के बाद फिर हम पानी छोड़ेंगे। हमारे पास अभी पानी नहीं है, तो बारिश का इंतज़ार करेंगे। बारिश जब होगी तो उसके बाद में ये प्रक्रिया उसका चालू हो जाएगा। अभी इसके ऊपर से ये जो मिट्टी है फौड़ा ले लीजिए, ये मिट्टी हो ये उसके ऊपर से डाल देंगे। ये आपका यहाँ पे काम हो गया। थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालेंगे उसके ऊपर, ज़्यादा मिट्टी नहीं डालेंगे। हाँ ऐसा, तो उसको ऊपर से ऐसा कवर कर देंगे। तो मतलब ये जो है इस तरह उसको ऐसा एक दो इंच तक यहाँ पे मिट्टी डालेंगे, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया बेसल डोस। ये तरह आप शुरुआत कर सकते हैं बाहर की। ये नई बाहर पकड़ने के टाइम पे ये पूरा प्रोसेस इस तरह किया जाता है।